हाँ छोड़ो मेरा, लेकिन यार, मुझे तुमसे बात करनी है। यार, मुझे तुमसे भी बात नहीं करनी। मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, मुझे तुम पे एतबार करना चाहिए था, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इस चीज का लिहाज कर लो। मोहब्बत? तुम मोहब्बत करती हो मुझसे? कश्मीर, एतबार के बगैर मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत में एतबार का होना बहुत लाजमी है। मुझे पता है मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मगर प्लीज मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। इसका मतलब है कि मुझे हाँ, मुझे सब कुछ पता चल गया। तुमने पापा के बारे में बिल्कुल ठीक कहा, मुझे कितना भरोसा था पापा पे, मेरा मान थे, मेरा क्रूर थे वो। मैं समझ सकता हूँ कश्मीर, इस वक्त तुम्हारा दर्द, जिस दर्द से तुम गुजर रही हो, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये सब कुछ फेस किया है रश्मि। जिस तरह लोग मेरे डैड का मजाक उड़ाते, जो बातें मैंने सुनी अपने डैड को लेकर, समझ सकते। सुनिए अश्विन, कभी कभी हम छोटों को बड़ों की बातें नजरअंदाज करनी पड़ती। मैं नहीं करूं, मैं अपनी मम्मा जैसी नहीं, मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगी। क्या नौरीन खाला को भी ये बात पता चल गई? मम्मा तो कब से जानती थी, पर मम्मा ने मुझे नहीं बताया, मेरी खुशी की वजह से। इतनी बहादुर औरत है ना तुम, सब कुछ जानकर भी अनजान रहती है। बहुत अजीम औरत है। लेकिन तुम्हारे पापा एक नंबर की घटिया शख्स, कितनी अच्छी बावफा औरत के साथ ऐसा सलूक कर रहे। अश्मिया, तुम्हारे पापा ठीक नहीं कर रहे। हवस, यानी ये हवस ना इंसान की आंखों पे पर्दा डाल देती है, उसके बाद उसको अपनी गलती नहीं नजर आती। हवस, क्या ये हवस किसी औरत का नाम है? आखिर ये है क्या? तुम मुझे नहीं पता, जो भी हो वो बहुत ही कोई खबीस हो, किसी प्यारी औरत का घर पर बात करनी चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है। तुम मुझसे वादा करो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, तुम किसी की भी गलती की सजा मुझे नहीं दोगे, वादा करो मुझसे। तुम क्या कह रही हो, किसकी गलती, कैसी सजा? यार मैं कह रही हूँ प्लीज वादा करो मुझसे। तुम तो मंगनी तोड़ चुकी थी ना रश्मि। मैं पागल थी, हम दोनों को मिलकर नौरीन खाला का घर बचा हम ही कर सकते, तो मेरा साथ दो। तुम्हारी माँ एक अजीम औरत, हम दोनों मिलकर उनका घर बचा। बुल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।